Hello everyone, we are back with our exciting Sunday Live. तो जैसे कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जहां पर हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हमेशा हम सेलिब्रेशन के मौके ढूंढते हैं. तो ऐसे ही एक सेलिब्रेशन का मौका आ रहा है, क्रिसमस, जिसे हम अपने देश में बड़े दिन के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. हमारे बड़े लोग इसे बड़ा दिन कहते हैं और क्रिश्चियंस में ये क्रिसमस के नाम से सेलिब्रेट होता है. तो अभी हम जहां भी जाते हैं, जिस भी मॉल में जाएंगे, जिस भी होटल में जाएंगे या मॉलों पर वर्ड कहीं भी चले जाएं, तो हमें हर जगह क्रिसमस की डेकोरेशन दिखाई देगी, जो कि बहुत ही अपने आप में अच्छा भी लगता है हमको. और हम खुद भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं. हमेशा खुश रहने के लिए हमें आपस में एक दूसरे का प्यार चाहिए, एक दूसरे से मिलने का बहाना चाहिए, सेलिब्रेशन का मौका चाहिए. तो ऐसे ही जब और अगर सेलिब्रेशन की बात हो और केक की बात ना हो तो सेलिब्रेशन अधूरा ही रह जाता है. केवल यही एक कारण है कि जबकि हम सेलिब्रेशन के लिए हमारे केक इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री इतना अच्छा ग्रो कर रही है, तो जब भी हम केक बनाने जाते हैं, कोई भी ओकेजन होता है, तो हमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि केक हमारा कैसा दिखना चाहिए, वो हमारे ओकेजन के अकॉर्डिंग सुटेबल है कि नहीं, हमारे ओकेजन को दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे कि हमारा केक कैसा है. तो हम ऐसी एक इजी सी टेक्निक लेकर आए हैं जो कि आपके केक को बहुत ही एग्जॉटिक बना देगी और एकदम ओकेजन के अकॉर्डिंग दिखाएगी. तो हम आज हम आपके लिए लेकर आए रेड वेलवेट केक, जो कि क्योंकि जब भी क्रिसमस की बात आती है तो सब कुछ रेड एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन से बहुत ही सुंदर दिखने लगता है. हम अपने ड्रेसेस में भी रेड एंड व्हाइट करते हैं, खाने में, कपड़ों में और केक में तो है ही. तो हम आज आपको ऐसी रेड वेलवेट केक की रेसिपी लेकर आए हैं आपके सामने, जिसकी हमने केक बनाकर रखा है. हमने रेड कलर का केक बनाया था. स्पॉन्ज में हमने बीटरूट का यूज किया था, बीटरूट से हमने बनाया स्पॉन्ज और उसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया रेड कलर का, जिससे कि हमको डार्क रेड कलर मिल जाए. और उसकी हमने लेयरिंग के लिए क्रीम बनाई थी, जिसमें हमने क्रीम चीज को ऐड किया था. क्रीम चीज रूम टेम्परेचर का हमें क्रीम चीज लेना है. क्रीम चीज बेकरी शॉप्स पर मिलता है. रूम टेम्परेचर के क्रीम चीज में हमने 1 कप क्रीम चीज में 1/2 कप शुगर ऐड करनी है. और उसके बाद हम उसको टेस्ट कर भी देख सकते हैं कि हमारी जो चीज है वो मीठी लगनी चाहिए, और अगर आपको स्वीटनेस कम लग रही है तो उसमें हम थोड़ा सा आइसिंग शुगर और डाल सकते हैं. आइसिंग शुगर यानी कि पाउडर शुगर, जो चीनी पिसी हुई होती है उसको, उस चीनी को हम मिक्सी में आराम से पीस कर और स्ट्रेन कर सकते हैं, छान सकते हैं, और छानने के बाद वो चीनी हम अपने क्रीम चीज में यूज कर सकते हैं. देन उस क्रीम चीज में, उस क्रीम चीज को विस्क से मिक्स कर और देन हमको उसमें विप क्रीम ऐड करनी है. उस तरीके से हमने अपने केक को लेयरिंग दी और फिर उसके बाद हमने क्रम कोट करके रखा है. क्रम कोट कर हमको इसलिए रखना होता है जिससे कि हम आपको जल्दी से केक की आइसिंग डेकोरेशन सिखा पाए, क्योंकि जब तक हम क्रम कोट करके रख देते हैं तो हमारी उसकी फाइनल आइसिंग में टाइम नहीं लगता. जो केक का जो स्पॉन्ज होता है वो हमारी फाइनल आइसिंग को खराब नहीं करता है, इसलिए क्रम कोट करने के बाद कम से कम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखें, उसके बाद फाइनल कोटिंग करें. तो ये हमने देखिए अपना केक जो है वो क्रम कोट करके रखा हुआ है, इसको हम बनाएंगे अब. इसको साफ कर दें. इसको हम बनाएंगे अपने टेबल पर ले लिया. इस पर हम सबसे पहले कर लेते हैं आइसिंग, नॉर्मल आइसिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी देंगे क्रिसमस वाली डेकोरेशन. तो रेड वेलवेट केक अंदर से रेड होता है और ऊपर से व्हाइट होता है, लाइक जैसे ब्लैक फॉरेस्ट केक अंदर से ब्राउन होता है और ऊपर से व्हाइट होता है, इसी तरीके से रेड वेलवेट केक होता है. इसकी जो क्रीम होती है उसमें क्रीम चीज होता है जो कि इसमें ऐड करा हुआ है हमने, और बट ऊपर से जो है ऑथेंटिकली अगर हम बनाएंगे रेड वेलवेट तो हमको उसमें वेलवेट लुक देना होता है. बट क्योंकि ये क्रिसमस का मौका है इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं क्रिसमस केक की व्हाइट आइसिंग से कुछ डेकोरेशन टेक्निक्स. क्रीम देना. तो हम बनाने जा रहे हैं अपना रेड वेलवेट केक की आइसिंग कर रहे हैं, जो कि हम व्हाइट क्रीम से आइसिंग कर रहे हैं इसकी. बगोनी
आइसिंग करके देना, उस पर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री बनाएंगे और छोटे छोटे सेंटा क्लॉज बनाएंगे, स्नोमैन बनाएंगे। तो देखते रहिए, हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ आपको, कुछ ना कुछ जैसे जैसे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। आई होप, वैसे तो हम सभी क्रिएटिव होते हैं बट हम भी कोशिश करते हैं कि हम आपको अपनी क्रिएशन से रूबरू कराएं। इसीलिए हम आपके पास हर संडे आते हैं, अपनी कुछ रेसिपीज शेयर करते हैं, कुछ टेक्निक शेयर करते हैं, सो देट कि हम ये ऐसा करने से हमको खुशी मिलती है कि हम आपसे कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, पहले हमने इस पर टॉप लेयर पर आइसिंग करी, देन हम इसके साइड्स कवर करेंगे। जब भी केक की आइसिंग करते हैं टॉप लेयर पर, तो हमें ध्यान रखें जो नाइफ होता है वो हमको पैरेलल चलाना होता है। थोड़ा सा भी अगर टेट हुआ तो फिर नाइफ इसकी शार्प एजेस नहीं आएंगे, इधर बीच में डोम आ जाएगा जो कि हमारे केक के लुक को स्पॉइल कर देगा। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि हमको इसमें जो है फ्लैट आना चाहिए, तो इसलिए हमको नाइफ को भी एकदम फ्लैट चलाना होता है। अगर पैरेलल टू द बोर्ड रखें या पैरेलल टू द प्लेटफॉर्म रखें नाइफ को, तो वो इजी होता है आपके केक को फ्लैट करने के लिए। जब हम टॉप लेयर कर देंगे उसके बाद हम बनाएंगे साइड की लेयर। साइड में हमारी क्रीम जो है वो इक्वल होनी चाहिए और उसके बाद हम इसकी कर देंगे कोम्बिंग। कोम्बिंग से हमारे केक को बहुत ही जल्दी से फिनिशिंग भी मिल जाती है। तो कोम करने के लिए इस तरीके से स्क्रेपर्स आते हैं, मार्केट में रेडीमेड होते हैं। इसमें तीन तरीके की, तीन साइज होती है, तो तीन डिजाइन होते हैं एक स्क्रेपर में, यानी कि थ्री डिजाइन। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। स्क्रेपर को हमको थोड़ा डायगनल ऐसे नहीं रखना, थोड़ा सा डायगनल रखना, सो देट की जो इसके शार्प पॉइंट्स हैं वो केक के अंदर ना घुसे। अंदर घुसे तो उसका केक का स्पॉन्ज दिखने लगेगा, और अगर हमने इसको थोड़ा डायगनल चलाया तो ये बहुत अच्छे से लाइंस फॉर्म करेगा। तो मैं अभी ये वाला साइड यूज कर रही हूँ और ये एकदम लाइट हैंड से हमको ये घुमाते जाना है और इसका फिर ये लुक आ जाएगा। इस तरीके से ये हमने चला दिया, मैं एक बार और चला रही हूँ जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत कहीं पर रह गया होगा तो वो भी आ जाएगा। चलाना हमको एकदम लाइट हैंड है, लाइट सारे केक में, क्योंकि केक जो होता है बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत इमोशंस की चीज है। क्योंकि जब भी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो सबसे पहले हमें केक की ही याद आती है, तो इसलिए हमारा केक बहुत डेलिकेट होता है, तो इसलिए हमको बहुत ही लाइट हैंड से यूज करना है। पूरे केक में बहुत ही लाइट हैंड यूज करना है अगर हम अपने केक में बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं तो। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है शार्प एजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी बाहर से क्रीम है उसको हमने नाइफ को साइड से लिया और एक्स्ट्रा क्रीम को हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे, एक साइड से करेंगे। और इस तरीके से ये हमने अपने साइड्स रिमूव कर दिए इसके। क्रीम जो है पैलेट नाइफ पर से हमको क्लीन करते जाना है, क्योंकि जब भी हम करेंगे तो उस टाइम पर हमारी जो नाइफ है वो इसको टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इसके साइड की क्रीम को भी हम रिमूव कर लेते हैं, जैसे कि जब हम क्रीम को हटाएंगे बोर्ड पर लेंगे तो हमारा केक की ये आइसिंग खराब नहीं हो। एक्स्ट्रा क्रीम हमको रिमूव कर लेनी है। उसका एक तरीका ये भी होता है कि इसको इस तरीके से नाइफ पर लगाओ आप एक नैपकिन को और इसको साइड से घुमा दो, तो जिससे कि ये जो टेबल है ये पूरी क्लीन हो जाएगी। कौन है पता नहीं, ठीक है, एक ये भी वे होता है अपने टेबल को क्लीन करने का। तो इस तरीके से ये हमारी आइसिंग हो गई है। अब हम इस पर देंगे एक डेकोरेशन। तो हम बनाने वाले हैं इसमें एक क्रिसमस ट्री बनाएंगे और फिर हम सेंटा क्लॉज बनाएंगे। तो अभी हम क्रिसमस ट्री बनाने के लिए हमको ग्रीन कलर की क्रीम चाहिए। एक बोल तो उस क्रीम में हमको ग्रीन कलर ऐड करना होगा। तो फिर मैं यहाँ पर ये फूड कलर्स आते हैं, ये कलर मिस्ट के फूड कलर्स हैं जिनको हम क्रीम के लिए यूज कर रहे हैं, बड़ा जिसको हम क्रीम के लिए यूज करेंगे ग्रीन कलर बनाने के लिए। इस इन कलर्स को अगर हम क्रीम में ऐड करें
अगर हम इस कलर को क्रीम में ऐड करेंगे तो हमारी क्रीम जो है वो कड़वी नहीं होती है, क्योंकि ये स्पेशली क्रीम के लिए कलर्स बनाए हुए हैं इसलिए। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी क्रीम ले लेंगे और उसको पाइपिंग बैग में ग्रीन कलर बना लेंगे। इसको मैं साइड कर देती हूँ, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर हमको कलर जो है थोड़ा सा ज्यादा डालना होगा, डोंट वरी, कलर ज्यादा हो भी गया तो भी क्रीम का कलर चेंज नहीं होने वाला है, जस्ट क्योंकि फेस्टिव लुक है और हमको इसका कलर देना है प्रॉपर ग्रीन कलर देना है, इसलिए हमको यहाँ पर थोड़े से ज्यादा कलर की नीड आएगी। और क्रीम निकालनी है, क्रीम से विस्क को अलग करना है, तो हमेशा उसको जैसे देखिए धीरे धीरे कर अलग करें, तो इससे जो विस्क में हमारी जो क्रीम है वो ज्यादा नहीं चिपकी होगी, नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारी क्रीम जो है वो हमारी विस्क में ही लगी रह जाती है। तो यहाँ पर हम ये हमारा ग्रीन कलर हल्का सा लाइट ग्रीन ही, अगर हमें और डार्क ग्रीन चाहिए तो हम इसके यहाँ पर अगर हम क्रीम में कितना भी कलर एड करेंगे ना तो इसमें नहीं आएगा कलर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके लिए एक टेक्निक होती है, कोई भी अगर हमको डार्क कलर यूज करना है तो उसके लिए हमको पाइपिंग बैग में इस कलर को ऐड कर लेना होगा। तो पाइपिंग कलर में ऐड करने से फिर ओरिजिनली रेड कलर मिल जाता है। यहाँ पर हमने नोजल लिया है, स्टार नोजल लिया है। देखिए नोजल जो होते हैं वैसे तो जो है मार्केट में नंबर से आते हैं, बट यहाँ पर हम अपने वर्कशॉप में नोजल्स जो है वो दिखाते हैं शेप से। तो ये स्टार नोजल है, तो हम स्टार नोजल से क्रिसमस ट्री के लिए यूज करेंगे। इस तरीके की छोटी छोटी सी टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, अगर हमें ये आती हैं तो हम अपने किसी भी ओकेजन के केक को बहुत ही स्पेशल बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी वर्कशॉप में भी इन सब टेक्निक्स को यूज करते हैं। ये केक्स का हमारा वर्कशॉप भी होने वाला है अभी, जो कि है हमारा ट्यूजडे एंड वेडनेसडे को। बेसिक बेकिंग टू फ्रॉस्टिंग है, जिसमें हम बेकिंग से फ्रॉस्टिंग तक सब कुछ सिखाएंगे आपको। तो ये अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी मैं इसमें जो है पाइपिंग बैग में थोड़ी सी ये क्रीम कलर डाल रही हूँ, ग्रीन कलर। ये क्रीम ग्रीन कलर के लिए हमको पाइपिंग बैग को जो है वो एकदम स्लैंटिंग ही रखना है, स्ट्रेट करा तो वो सारा कलर जो है वो बाहर निकल जाएगा। और ग्रीन कलर डालने के बाद हमको इस पाइपिंग बैग में अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इसको करने का केवल एक ही पर्पस है कि क्योंकि हमें डार्क ग्रीन कलर चाहिए, हम यहाँ पर क्रीम में कितना भी कलर ऐड करेंगे वो नहीं आएगा, यहाँ पर ऐड करने से हमारा कलर आ जाएगा। अब हमको इसमें क्रीम में हमको ऐड करना है, इसमें क्रीम फिल करनी है स्पून के अंदर। तो इस कोन में क्रीम फिल करने के लिए हम इसको ग्लास में करके रख सकते हैं और इस तरीके से स्पैटुला की हेल्प से इसकी दोनों बॉल्स को अलग कर लें कोन को और इसमें क्रीम फिल करें। ये देखिए ये जो है आ गया है, ये हमारी क्रीम फिल हो गई है।
उसके बाद हम कोई भी एक कलर बोर्ड और प्लेट लेकर डायरेक्टली जब भी हम कलर मिक्स करते हैं उनके अंदर डायरेक्टली हमको केक पर नहीं चलाना है, पहले हमको देख लेना है कि उसका क्या शेप आ रहा है और क्या कलर आ रहा है। देखिए ये मेरा कलर एकदम परफेक्ट आ गया है, तो मैं ये इसको यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसमें और ठीक है। अभी हमको बनाना है क्रिसमस ट्री। तो क्रिसमस ट्री जो होता है वो कोनिकल शेप में होता है, तो उसके लिए हमने यूज किया है यहाँ पर आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन लगाएंगे हम यहाँ पर, आइसक्रीम कोन भी इजीली मिल जाता है यहाँ पर। एक साइड से हमने यहाँ पर आइसक्रीम कोन लगा दिया और इसको हम दे रहे हैं ग्रीन कलर से कवरिंग। बीच बीच में कोन को अगर हमको फाइनल अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए तो हमको बीच में कोन को पोंछ लेना पड़ता है नोजल को, सो देट की अच्छी इसकी फिनिशिंग आए। कैसा लग रहा है ट्री बनाने में? इंटरेस्टिंग लग रहा है? कितना सुंदर लग रहा है ट्री। राधिका अग्रवाल, वाह, थैंक यू राधिका। प्रेरणा जोशी, वाह मैम, थैंक यू प्रेरणा। आशीष बंसल, वेरी नाइस, थैंक यू आशीष। तो ये हमारा क्रिसमस ट्री है, इस क्रिसमस ट्री को हम डेकोरेट करते हैं। इसके आगे भी हम सेंटा भी बनाएंगे। सब कुछ हमारा आज के केक में एडिबल है, नॉन एडिबल कुछ भी नहीं है। तो हम पूरी एडिबल चीजों से, क्योंकि बहुत सारे केक जगह होते हैं कि बस टॉपर्स लगाए और हो गया, बट क्रिएटिविटी वहां है जहां हम खाने की चीजों में खाने की चीजों से ही क्रिएटिविटी दें। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ एडिबल स्प्रिंकलर्स हैं जिनको मैं ट्री के ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ। प्रेरणा जोशी, थैंक्स मैम फॉर टीचिंग। थोड़े से ये गोल्डन स्प्रिंकलर्स हैं,
और इसमें थोड़े से मतलब जो क्रिसमस ट्री होता है वो काफी कलरफुली होता है, तो जितने कलर्स हम यूज कर सकते हैं करें। इसका मेन डिपिक्ट करता है कि जो हमारा आने वाला साल है वो भी इतना ही कलरफुल हो जितना क्रिसमस ट्री है, इसलिए इसको मल्टी कलर से डेकोरेट करते हैं और अपने आने वाली खुशियों का वेलकम करते हैं हम इस तरीके से, क्योंकि जितने भी रंग होते हैं वो हमारी खुशियों को डिपिक्ट करते हैं, जितने अच्छे कलर उतनी ही खुशियां। यही कारण है कि रेड कलर जो है वो लव को सिग्निफाई करता है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ स्टार्स लगा देते हैं, ये सारे एडिबल स्प्रिंकलर्स हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ एडिबल है। ये जो है हमारा क्रिसमस ट्री हो गया, अभी हम इसको साइड रख देंगे और हम बनाएंगे कुछ सेंटास। तो सेंटा क्लॉज बनाने के लिए आज हमने यहाँ पर ली है स्ट्रॉबेरी, ये हमारे पास आज कुछ ये स्ट्रॉबेरीज हैं, इन स्ट्रॉबेरीज से आज हम बनाने वाले हैं सेंटा। तो उस सेंटा को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक शार्प नाइफ चाहिए, और जो इसका लीफी पार्ट है इसको हम कट कर देंगे सो दैट कि ये फ्लैट हो जाए। यहाँ पर हम दो बना लेते हैं, इसलिए दो सेंटास बना रही हूं, इसलिए मैंने दो स्ट्रॉबेरीज को कट करा है। और देन फिर बीच से हम ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको भी ले लेंगे, अलग कर लेंगे, ये हो जाएगी कैप। क्रीम को गर्म कर देना, चॉकलेट को उसमें रखा हुआ है माइक्रोवेव में 20 सेकेंड लगा। तो ये इस तरीके से एक स्ट्रॉबेरी को हमने ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पहले हमने लीफी पोर्शन अलग कर दिया जो स्ट्रॉबेरी का टॉप पार्ट होता है वो, और फिर हमने ये लिया। देन इसके बाद हमने इस पर करनी है व्हाइट क्रीम, व्हाइट क्रीम कोन में रखी है ना बोलना, व्हाइट क्रीम को हमने कोन में कर कर रखा है, सिंपल कोन में करा हुआ है। कोन में करके रखा है जिस तरीके से अभी हमने आपको कोन बनाकर दिखाया था सेम वही वे है, और इसको हम देखे दिख रहा है ना कैमरा में, और इसको हमें जस्ट एक सर्कल देना है और हल्की सी इसकी हाइट बढ़ानी है। इसकी ये हाइट बढ़ा करके इसके ऊपर हमने रख दिया ये स्ट्रॉबेरी का पीस, बाकी का और फिर हमने रख दिया एक डॉट। फिर अब हमको बनानी है इसकी आईज, ये हमने गनाश लिया है, 2:1 का रेशो है, यानी कि 100 ग्राम्स चॉकलेट तो 50 ग्राम्स क्रीम, इस तरीके से गनाश है ये, हम इसकी आईज बनाएंगे इससे। ये देखिए इसी तरीके से हम और बना लेते हैं, दो इस तरीके से कट कर कर एक और बनाएंगे।
ये किया हमने एक और बनाते हैं ना इंटरेस्टिंग कितना इजी है और ये पूरा एडिबल भी है और बच्चों को बहुत टेम्पटिंग करता है ये स्ट्रॉबेरीज बच्चों की फेवरेट होती हैं और वो अगर इस शेप में खाएं अगर बहुत सारे फ्रूट्स को खाते भी नहीं है बट कुछ इस तरीके से क्रिएटिव प्रेजेंटेशन दे दें अगर बच्चों को तो बच्चे वो चीजें खाने भी लगते हैं। हमारा केवल एक यही पर्पस है बच्चों को इस तरीके से क्रिएटिविटी के साथ बच्चों को कुछ फूड आइटम्स हम इंट्रोड्यूस भी करते हैं खाना भी सिखाते हैं। ये बहुत ज्यादा गर्म हो रही है इसलिए इस पर लगने में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी ठंडी होगी अगर तो बहुत इजीली लग जाएगी। अंजलि सिंघल अमेजिंग सुपर थैंक यू अंजलि। खुशी दिलीप शर्मा सच अ वेरी नाइस ये देखिए ठीक है ये बन गए। अभी हम इसमें इनको लगा देते हैं इसको मैं अलग से बोर्ड पर लगाऊंगी जब बोर्ड पर रखेंगे ना तब यहाँ पर इस केक की डेकोरेशन दे देते हैं हम या एक स्नोमैन और बना देते हैं। प्रेरणा जोशी वाओ मैम व्हाइट वाली क्रीम फिल करी थी ना रेड कलर की बोले ना एक स्नोमैन बना रही हूँ मैं इस पर ये ये रेड कलर की क्रीम है हमने सिंपली फिल करी हुई है कोन में पिंक कलर की डार्क पिंक कलर है इनपे एक हमको इसका मफलर सॉर्ट ऑफ बनाना है तो हमको इसकी एकदम पतली सी लाइन चाहिए तो बहुत छोटा सा होल करना है हमको इसके लिए थैंक यू सो मच प्रेरणा। अभी हम जो है इसकी देते हैं थोड़ी सी आउटलाइन और इसको हम ले लेते हैं सबसे पहले बोर्ड पर जिस बोर्ड पर हमको रखना है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ऐसा करने से पहले बोर्ड पूरी डेकोरेशन करने से पहले आपको बोर्ड पर लेना होगा केक क्योंकि
इस तरीके से केक अगर आप उठाएंगे डायरेक्टली तो मे बी की स्पॉइल हो जाए. अभी हम इसमें स्नोफॉल भी दिखाने वाले हैं. व्हाइट कलर से ही हम इसकी आउटलाइनिंग देंगे. जब भी केक का कोई भी डिजाइन स्टार्ट करें फ्रॉम द बैक ही करें, क्योंकि फ्रंट तक आते आते उसका डिजाइन आपके हाथ से सेट हो जाता है. इसलिए हमेशा केक की डिजाइनिंग जो होती है वो हमें बैक से ही स्टार्ट करनी चाहिए. अभी हमने जो है अपने प्रोफेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं जो कि 1 मंथ के होते हैं, जिसमें एक ही कोर्स के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज का मिलता है, लाइक फॉन्डेंट केक, टी टाइम केक्स, ब्राउनीज, केक्सिकल्स, डोम केक्स, इंटरमेट डोम केक्स, ये सभी आपको उस कोर्स में सीखने को मिलेगा. अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन पर पूछ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे कोर्सेज जो होते हैं बहुत ही प्रोफेशनल टच के होते हैं. टीचिंग करने के टाइम पर हमें लगता है कि हम ऐसी टीचिंग दें आपको इतने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताएं जिससे कि आप लोग भी हैं जो परफेक्ट बेकर और परफेक्ट कुक, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो आप परफेक्टली सीख पाए और वो बन पाए. एकदम सिंपल चीजों से क्रिसमस का डेकोरेशन दिया है हमने और देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है केक. बात है जस्ट थोड़ा सा, सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग होती है. होपफुली कि आपको ये केक जो है आपकी क्रिएटिविटी में कुछ एड ऑन कर पाए. देखिए अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया है. अभी हम इसमें थोड़ा सा स्नो इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि ये रेड वेलवेट केक है, रेड वेलवेट केक में जो होता है व्हाइट चॉकलेट का थोड़ा सा कोट होता है, अंदर फिलिंग में भी हम थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट एड करते हैं. तो यहां पर हमने ये व्हाइट चॉकलेट को ग्रेट कर रखा है, जिसको मैं स्नोई इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी. संगीता नौलखा, अमेजिंग, वेरी क्रिएटिव. थैंक यू संगीता जी. ये इधर भी आसपास थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर अच्छा भी लगेगा और थोड़ा हमारे थीम को बनाएगा. तो ये हमारा है क्रिसमस स्पेशल थीम केक. और देखिए अभी हमने जो एक सेंटा बनाकर रखा हुआ था इसको भी हम यहाँ पर साइड से लगा देते हैं. और साथ ही मेरे पास अभी आपके पास कुछ और भी है दिखाने के लिए. कैसा लग रहा है ये केक? देखो कितना सुंदर लग रहा है, मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है. होपफुली हमारे सारे व्यूअर्स को भी आज का केक बहुत सुंदर लग रहा होगा. तो कोई भी, जब भी हम केक बनाएं, एक बहुत ही छोटी सी टिप है कि हमारा जो केक जब आइसिंग होकर तैयार हो जाता है तो कम से कम 3 से 4 घंटे तक चिल्ड होना चाहिए. 3 से 4 घंटे के बाद चिल्ड होने के बाद उसकी लेयर्स जो होती हैं वो परफेक्टली सेट हो जाती हैं और सारे फ्लेवर्स भी मर्ज हो जाते हैं. तो इसलिए जरूरी है कि 3 से 4 घंटे वाला केक ही हम कंज्यूम करें. जब आप उसको कट करेंगे तो उसकी लेयरिंग्स भी अच्छी आएंगी और फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे आएंगे. तो ये था अभी मैं, देखिए मैंने आपके लिए बनाए हैं और जिसको कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसका बहुत जल्दी आपकी रील दिखाई देगी हमारे पेज पर. आज हमने आपके लिए ये भी बनाए थे क्योंकि क्रिसमस थीम है और ये हमने केक्सिकल्स तैयार करे हैं बच्चों के क्रिसमस पार्टी के लिए. और ये हमारा केक्सिकल सेंटा का दिख रहा है ना, दिख रहा है कैमरे में. कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है ना? अगर आप भी कुछ इस तरीके की क्रिएटिव चीजें सीखना चाहते हैं
तो आप हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करिए जहां पर हम आपको बनाते हैं और भी ज्यादा क्रिएटिव। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बेसिकली हम आपके अंदर की स्किल्स को बाहर लाने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से आपके स्किल्स को बाहर आ पाए। तो अभी हमारा 21st and 22nd को 2 दिन का आइसिंग बेसिक केक आइसिंग वर्कशॉप है जिसमें हम बेकिंग टू फ्रॉस्टिंग सिखाने वाले हैं। अगर आप हॉबी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 दिन का कोर्स बहुत अच्छा है, और अगर आप बहुत डीप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1 मंथ वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर अस, और आप हमेशा हमारे पेज को फॉलो करिए, और भी क्रिसमस से रिलेटेड आपको बहुत सारे कपकेक्स और इनके आइडियाज मिलते रहेंगे। तो कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम 2 मिनट और हैं यहाँ पर, आप हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी। श्वेता दागस, नो मैन इज सो क्यूट। थैंक यू श्वेता जी। निमेश अग्रवाल, वाओ। थैंक यू निमिषा। चलिए तो होपफुली सो एंजॉय योर क्रिसमस डे। आपको आप क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो आप भी इस तरीके से अपने केक को डेकोरेट कर लोगों को खुश कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू टू द नेक्स्ट टाइम।